हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी सोलन और परमाणु में सेब ने दस्तक दे दी है। सेब के खरीददार भारत के कोने कोने से जिला सोलन का रुख करने लगे हैं। शुरुआती दौर में बागवानों को सेब के दाम अच्छे मिल रहे थे, लेकिन अब बागवानों के चेहरे मायूस दिखने लगे हैं। सोलन फल एवं सब्जी मंडी में किन्नौर, शिमला, ठियोग, रामपुर और चौपाल से सबसे ज्यादा मात्रा में सेब आता है। जिला सोलन की सेब मंडी में परमाणु की तुलना में 50% सेब की पेटियां कम पहुंची हैं। हर वर्ष के मुकाबले इस बार बागवान और आढ़ती भारतवर्ष में हो रही बारिश के कारण परेशान हैं। इस बार ना बागवान को अच्छा दाम मिल रहा है और ना ही आढ़ती की कमाई हो पा रही है। बागवानों का कहना है कि इस बार डबल मात्रा में सेब की पैदावार हुई है, जिसके चलते सेब का साइज छोटा आ रहा है। उन्होंने कहा कि सेब का साइज छोटा होने के कारण उन्हें पर्याप्त मात्रा में सेब की पेटी का दाम नहीं मिल पा रहा। बागवानों का कहना है कि जहां शुरुआती सीजन में उन्हें प्रति पेटी का 2500 रुपये दाम मिल रहा था, तो वहीं अब प्रति पेटी का दाम 500 रुपये से 1200 रुपये के बीच में मिल रहा है। बागवानों का कहना है कि इस बार जिस तरह से दाम मिल रहा है, उससे तो वे लेबर को भी मेहनतनामा नहीं दे पा रहे हैं। पहले से तो रेट काफी गिर चुके हैं, पहले तो 2000 तक बिक रहा था लगभग, अब 1300-1400 रुपये बहुत ही अच्छा माल बिक रहा है। ड्यू टू मतलब नीचे जैसे बाढ़ की वजह से ट्रक फंस रहे हैं, गाड़ी आ गई, मतलब माल टाइम से नहीं पहुंच रहा उस वजह से, और कुछ ईद की मार बस माउंटेन ही मैक्सिमम सेफ लेते हैं हमारा, वो ईद में भर गए हैं, शायद लगता है कि थोड़ा बहुत छाल आने का 100-200 का नहीं हो रहा। बाहर की वजह से मंडी डाउन, गुजारे की मंडी डाउन है, सेब क्वालिटी अच्छी है, माल का दाम नहीं मिल रहा हमारा, 24-27 किलो है, अच्छा है, और क्या करना, खर्चा ही बहुत ज़्यादा है। आगे बाढ़ आई है, किन्नौर का से थोड़ा सा माल नहीं पा रहा है, हमारी वजह से थोड़ा फसल ज़्यादा ड्रॉप है, सफाई भी थोड़ा है नहीं, इसको चलाने के लिए फिर हमारे को रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार अगर देती है हमारे दाम सेवा पानी करेगी, स्टोर करेगी, दाम मिलती है तो अच्छा होगा। वहीं विभिन्न प्रदेशों से आए आढ़ती खरीदारों का कहना है कि पूरे हिंदुस्तान में पानी ही पानी है, जिस कारण सभी मंडियों में मंदा चल रहा है। आढ़तियों का कहना है कि इस बार हिमाचल में सेब की पैदावार ज्यादा हुई है, लेकिन सेब का साइज छोटा आ रहा है, जिस कारण उन्हें आगे बेचने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। और बारिश के कारण बहुत सेब मंद हो रहा है, और अपने साइज छोटा है इसलिए थोड़ा सा मंदा, और यहाँ भी थोड़ी सी बारिश है तो लगता है मंदा ही चलेगा। सर ये बात है, तेजी इसलिए आ सकती है अगर ये साइज बड़ा होता तो, लेकिन जब तक ख्याल है तो मंदा ही रहेगा। हमारे यहाँ बाहर आई है, हमारा माल बहुत छोटा मिलता है, इधर की मंडी में बहुत छोटा माल आ रहा है, और वहाँ भी हमारे यहाँ बाहर आई है, उसकी वजह से बहुत मंदी है। इस बार सेब जो है डबल हुआ है, पैदावार डबल है, डबल पैदावार होने के कारण साइज कम बना है, जो पहले की लार्ज मीडियम स्मॉल आता था वो बहुत कम आ रहा है, और पीटू जो है 310 दाना ज़्यादा आ रहा है। और दूसरे कारण मंदे का एक हो रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में जो है बाढ़ आई हुई है, और उस कारण पारी भी बहुत नीचे से कम आ रहे हैं, सेब किसानों को भी रेट नहीं मिल रहा और हमारे को भी लॉस हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।